तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इमरान जेडा। आपका हमारे इस चैनल में इस्तकबाल है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर ले। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरियल के बारे में जिसने पूरे ज़माने में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, उस सीरियल का नाम है अर्तगुल गाजी, जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जहाँ से अर्तगुल गाजी को रूहानी ताकत, रूहानी फैज़ हासिल होता था, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपने अर्तगुल गाजी सीरियल देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा इस कैरेक्टर के बारे में। ये वही कैरेक्टर है जिसने पूरी सीरियल पर चार चांद लगा दिए। शेख इब्नुल अरबी, इस कैरेक्टर ने पूरे सीरियल पर चार चांद लगा दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद शेख मोहिनुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप लिबास मुबारक देख सकते हैं, और इमामा मुबारक आप देख सकते हैं। और शेख इब्नुल अरबी सूफी अजम के सबसे बड़े उस्ताद थे, और आपका पूरा नाम मुबारक अबू बकर मोहम्मद इबन अली मोहिनुद्दीन है, और आपकी विलादत स्पेन के शहर अंदुलस में 1165 ईस्वी में हुई है, और आपका विसाल दमिश्क में 1240 ईस्वी में हुआ है, और 1194 ईस्वी में आप मक्का चले गए थे, और वहाँ कुछ समय रहने के बाद इराक, सीरिया और एशिया माइनर की कई यात्राएं आपने की, और लास्ट में आप दमिश्क में आकर ही बस गए। आप शेख अकबर नाम से भी विख्यात थे। आप अरब के मुअज्जिम ख़ानदान में पैदा हुए। आपका ख़ानदान मशहूर ज़माना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से थे आप, और आपकी सबसे ज़्यादा शोहरत अल शेख उल अकबर के लकब से हुई। मुसलमानों की तारीख में यह लकब किसी दूसरी शख्सियत को इस्तेमाल नहीं किया गया। आपकी तसानिफ की तादाद 500 से ज़्यादा है, और आप सूफी अजम के सबसे बड़े उस्ताद कहलाते हैं। बचपन से ही नेकी, इबादत, दानाई और सच्चे ख्वाबों के बिना मशहूर हो गए। आप खिलाफत उस्मानिया के बानी, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्तगुल गाजी को रूहानी फैज़ हासिल हुआ। तो दोस्तों, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक नए वीडियो में।